गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हुब्बे वतन तरक्की पसंद सोसाइटी गोड़लपा के नेतृत्व में पैसेंजर ट्रेन के संचालन तथा दिलदार नगर ताड़ीघाट ब्रांच लाइन पैसेंजर ट्रेन तत्काल चलाए जाने और अन्य मांगों को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। फिरोज खान कादरी गले में तख्ती लटकाकर अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। इसके बाद विभिन्न शाखाएं जैसे शस्त्रागार, जीपी स्टोर, यूपी 112 कंट्रोल रूम, परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, बैरक, पुलिस कैंटीन, पुलिस अस्पताल एवं भोजनालय आदि का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को देखा। भोजनालय के निरीक्षण के दौरान संबंधितों से पूछताछ करते हुए खाद्य सामग्री सहित अन्य सामानों को चेक किया। उन्होंने पुलिस लाइन में निर्माणाधीन महिला बैरक का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों में प्रयोग हो रहे सामग्री आदि की जांच करने के संबंध में पूछताछ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संबंधितों से कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नंदगंज थाना पुलिस ने शुक्रवार को पहाड़पुर चौराहा से 2 वांछितों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान दिन में करीब 11:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि CLA एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त क्षेत्र के दबोपुर मड़ई गांव निवासी हरिराम व हरिशंकर पहाड़पुर चौराहा पर मौजूद हैं और कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस को देख वांछित भागना चाहे लेकिन घेरेबंदी कर दबोच लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल धर्मदेव चौहान, आरक्षी अजय गुप्ता, आकांक्षा मिश्रा, सुभाष यादव और आरक्षी ओम प्रकाश शामिल थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के संबंध में शुक्रवार को प्रधानाचार्यों की बैठक सहजानंद पीजी कॉलेज के सभागार में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ओपी राय ने कहा कि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्य अगर गलत आधारभूत सूचनाएं अपलोड करेंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनके विद्यालय को केंद्र बनाने से वंचित कर दिया जाएगा। जिस केंद्र पर 150 से कम परीक्षार्थी बैठ सकते हैं वो विद्यालय केंद्र नहीं बन सकेंगे। कहा कि जो विद्यालय 2 बार केंद्र रहे हैं वही विद्यालय केंद्र बनाए जाएंगे। जो विद्यालय केंद्र बनेंगे उनके पास डबल लॉक की 2 अलमारी होना अनिवार्य है। अधिकतम संख्या 800 से अधिक नहीं होगी। डॉक्टर राय ने कहा कि जिन विद्यालयों पर पहुंचने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता नहीं होगा उन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बताया कि इस बार परीक्षा में 1,76,598 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित नगर का लंका जाम पॉइंट बन गया है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाए जिस दिन सुबह से लेकर देर शाम तक आवागमन करने वालों को 8 से लेकर 10 बार जाम का मुंह न देखना पड़े। खास बात यह है कि लंका बस स्टैंड से हर 15 मिनट पर वाराणसी के लिए बसें निकलती हैं। अधिक से अधिक सवारी के चक्कर में चालक चीटी की चाल से स्टैंड से निकलते हुए मार्ग तक आते हैं। इससे अन्य आवागमन करने वालों की रफ्तार थम जाती है और देखते ही देखते जाम लग जाता है। पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी जाम की तभी सुधि लेते हैं जब वो पूरी तरह से विकराल हो जाता है। गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे से लेकर देर रात तक मार्ग पर जाम लगा रहा। इससे आवागमन करने वाले परेशान होते रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।